हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एमकेडियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो खाता धारक हैं उनको फ्री में 3 सिलेंडर दिए जाने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो 3 फ्री सिलेंडर किस तरह से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा डिटेल से जानेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना के खाता धारकों को फ्री में 3 सिलेंडर देने के लिए कहा था। तो फ्रेंड, वो लोग किस तरह से बुकिंग करें और किस तरह से वो लोग फ्री में पा सकते हैं, तो फ्रेंड चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कि वो फ्री में मिलेगा या उसके लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो फ्रेंड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान चल रहे लॉकडाउन में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको सिलेंडर मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि सभी लाभार्थियों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो फ्रेंड, जो भी लाभार्थी हैं उनके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लियर यहाँ पे बता दिया है कि फ्रेंड जो लोग लाभार्थी हैं, उज्ज्वला योजना के खाता धारक हैं, उनको उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो फ्रेंड, जो लोग उज्ज्वला योजना के खाता धारक हैं वो लोग पैसे दे करके सिलेंडर लेंगे। उनको ये नहीं है कि फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा, उनको वहाँ पे पैसे दे करके और सिलेंडर लेना पड़ेगा, और जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जो सब्सिडी आती है जिस तरह से, उसी तरह से उनके बैंक अकाउंट में पूरा पैसा आ जाएगा। जैसे फ्रेंड मान लीजिए आपने 850 रुपये का गैस लिया, तो फ्रेंड 850 रुपये आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे सब्सिडी के तौर पर। जैसे सब्सिडी जाती है उसी तरह से गवर्नमेंट पैसा भेज देगा। तो फ्रेंड यहाँ पे गवर्नमेंट ने 4 अप्रैल से पैसे भेजना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड अगर आपने अभी सिलेंडर नहीं लिया है तो थोड़ा सा रुक जाइए, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, उसके बाद से आप अपना गैस बुक करके और अपना सिलेंडर ले सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में हैं कि हम गैस सिलेंडर ले लेंगे उसके बाद से हमारे पैसे आएंगे या पहले ही आ जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जब गैस सिलेंडर बुक करेंगे उसके बाद से आपके पैसे आएंगे, पैसे पहले ही आ जाएंगे। फ्रेंड आप गैस बुक करें या न करें, आप पैसे पहले ही आ जाएंगे। पैसे आने के बाद फ्रेंड आपके गैस एजेंसी की तरफ से आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं और आप अपना गैस बुक कर लीजिए। तो आप अपना गैस बुक कर लेंगे और गैस बुक करने के बाद फ्रेंड आप अपना सिलेंडर जा करके ले लेंगे और पैसे अपने अकाउंट से निकाल करके और उसको वहां पे दे देंगे। फ्रेंड इस तरह से पैसे आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड आप ये मत सोचिएगा कि तो फ्रेंड आप ये मत सोचिएगा कि हम गैस बुक कर लेंगे उसके बाद से पैसे आएंगे, पैसे पहले ही आ जा रहे हैं। फ्रेंड बहुत सारे लोगों के आ भी चुके हैं। तो फ्रेंड वो लोग गैस सिलेंडर बुक नहीं किए थे, उनको पहले ही पैसा आ गया है और पैसा आने के बाद फिर से वो लोग गैस सिलेंडर बुक कर लिए हैं। और फ्रेंड मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका जो अगला पैसा मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड आप जरूर ये जान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट ने पैसा भेज दिया और पैसा भेजने के बाद आपने इस महीने में कोई भी सिलेंडर बुक नहीं किया और सिलेंडर आपने नहीं लिया, तो फ्रेंड आपको अगले महीने में आपका जो पैसा आने वाला है वो नहीं आएगा। तो फ्रेंड आप सिंपल में समझिए कि अगर गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं और आपने इस महीने में सिलेंडर नहीं बुक किया और न ही सिलेंडर लिया, तो आपको अगले महीने में सिलेंडर का पैसा गवर्नमेंट नहीं देगी। तो फ्रेंड अगर आप इस महीने में सिलेंडर ले लेंगे तब जाके आपको अगले महीने में भी फिर से आपको पैसे आ जाएंगे। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि अगले महीने में 2 मई को फिर से पैसे मिल जाएंगे अगर इस महीने में आप सिलेंडर लिए रहेंगे तब। और फ्रेंड बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि किस बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे, तो फ्रेंड जिस बैंक अकाउंट में आपकी सब्सिडी जाती है उसी बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल रही है गैस लेने के लिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी पैसे नहीं आए हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपके बैंक अकाउंट में जरूर पैसे आ जाएंगे। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा अपडेट, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।